तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो कल का मैच देखकर जरूर से आपके निकलेंगे। और अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे हो चुके होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप की शुरुआत हमारी हो चुकी है। और हम जैसे कि आपसे क्या बताए कि जसप्रीत बुमराह को वापसी करिए, इसके अलावा कि राहुल ने वापसी करिए, तो यार ऐसा हो जाएगा हमें तो उसी वापसी करते हैं। लेकिन अभी वापसी कैसी होगी ये तो यार आप लोग ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आप जनता जनार्दन है। और लेकिन हमने सोचा किया कि हाँ वापस से हम वापसी करते हैं, लेकिन इस बार नई चीज़ है कि हम वापस अब ये कोई दावा नहीं करेंगे, हम आपको रेगुलर दूसरा दिन वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा बोला है कि आपसे आपको रेगुलर वीडियोज मिलेगी, आपसे आपको रेगुलर वीडियोज मिलेगी, लेकिन वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो अब आप सिंपल बस गूगल के फॉर्मूले पर चले गए, क्योंकि बोलेंगे बोलेंगे सिर्फ अपने कंटेंट पर ध्यान देंगे, और वीडियोज है वो ज़्यादातर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत जो हो चुकी है। और दोस्तों काफी पहले से 5 अक्टूबर से ही शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो असली शुरुआत वो हुई है कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच से। हमने देखा था कि जो ओपनर था इस वर्ल्ड कप का, उसमें मतलब जो क्राउड होना चाहिए, जो वर्ल्ड कप का चार्म होना चाहिए, देखने को नहीं मिला। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमें इंडिया का मैच जो है वो पहले स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिला। इंडिया का मैच स्टार्ट कर लिया था 8 अक्टूबर को, और कल हमने खचा खच चेन्नई का चेयरपॉक्स स्टेडियम जो है वो भरा हुआ नजर आया। और दोस्तों उस मुकाबले की बात करेंगे सीरीज में, साथ में आपको बताएंगे पॉइंट्स टेबल में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर टीम इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छे तरीके से हराया है। और इस मौके पर मुझे एक लाइन याद आ रही है जो मैं यहाँ पर आपके सामने बोलना चाहूंगा। लाइन ये है कि जहाँ मौके बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों एक लाइन जो एक याद आ रही है जो कि इंडिया के फर्स्ट जो तीन विकेट थे वो धड़ाधड़ गिर गए थे, और उसके बाद मुझे ये लाइन जरूर याद आई और ये लाइन मैं लिख के रखी है। तो ये लाइन है, चेन्नई में एक एक रन की लड़ाई भैया कोहली के लिए टीम इंडिया की लाल हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने मिला हमें इस पहले टीम इंडिया के मुकाबले, वर्ल्ड कप के मुकाबले में, जहाँ पर दोस्तों टॉस जो था पहले ऑस्ट्रेलियन टीम ने, और उन्होंने पहले बैटिंग करने का डिसाइड किया, और उन्होंने सोचा था कि यार हम इंडिया पे रन ऑन द बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद में हमारे जो स्पिनर्स हैं एडम जैम्प एंड मैक्सवेल वो जो है वो प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उल्टा ही कुछ देखने को मिल गया है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करी तो सही, लेकिन वो मैच 199 पर ऑल आउट हो गए, और 200 रन का छोटा सा टारगेट उनके सामने रखा। लेकिन दोस्तों ये टारगेट मुश्किल हो सकता था अगर वो एडम जैम्पा को पहले लाते 10 ओवर के जस्ट बाद लाते। लेकिन एडम जैम्पा ने जो इंट्रोड्यूस है वो पैट कमिंस ने किया लगभग 18 या 19 ओवर में, और वहाँ पर यहाँ पर हमारे जो दो लड़के हैं किंग कोहली वो जम चुके थे, और के की जोड़ी ने ऐसे आगे बढ़े ऑस्ट्रेलियन टीम के कि वो मतलब सदियों तक इसको याद रखेंगे कि आगे आखिर मैच था हमारा और कैसे हमारे भाग्य जो है वो खो गए। वो गेंद बल्लेबाज साहब नहीं चल पाया, कोई गेंद बल्लेबाज नहीं चल पाया इस कंगारू टीम का, और इसीलिए तो हम किंग कोहली को कहते हैं बॉस का बॉस। बॉस का बॉस हमको इसी तरह से नहीं कहा जाता, हमने हर टीम के खिलाफ रन बनाए हैं, और ऑस्ट्रेलियन के खासी पसंद है उनके खिलाफ भी काफी अच्छे रन चला। स्पेशली जब मैच जो है वो इंडिया के अंदर हो, तो यहाँ पर 199 रन बनाए। शुरुआती झटके जो है जल्दी जल्दी ऑस्ट्रेलियन टीम ने भागने के लिए दिए थे, जो कि अनफॉर्चुनेट थे। यहाँ पर ईशान किशन जो कि शुभमन गिल की जगह पर खेल रहे थे, उनको टीम ने मौका दिया था। टारगेट भी कोई 400 का नहीं था, उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों उस पहली बॉल पर वो मतलब छक्का लगाने का प्रयास कर रहे थे। अब वो चीज़ थोड़ी सी मुझे समझ से बाहर थी कि वो क्या दिखाना चाहते थे। अगर आपको समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा जो शर्मा है वो अलग बजे वो है, तो और इसके बाद शुरुआत से फिर से कमेंगी एक और मतलब गैर जिम्मेदार शॉट में कमेंगा, क्योंकि यार ये दो रन वो रिच हुए हैं, उसके बाद की बात का उड़ा के उड़ाना चाहते थे। क्या
मतलब वर्ल्ड कप का मैच है, मतलब क्या चाहिए जो लीग चाहिए, अगर यही गई आपके इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल या फाइनल करेंगे तो आप वापस से उसी जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर आप रहे थे पहले। हमने देखा उसके वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड इसी तरह से हमें पड़े पड़ गई थी, वही शुरुआत उसके बाद सारी चीजें आप सबको पता है तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद के उनके यही ओएल की जोगी ने मोर्चा संभाला और धीरे धीरे पारे पारे संभाला, उसके बाद एक्सेलरेट किया जहाँ पर दोस्तों किंग कोहली की हम बात करें, किंग कोहली ने 85 के अराउंड रन बनाए हैं जो के अराउंड उन्होंने 97 रन जो बनाए हैं तो काफी अच्छी जीत हम ये कह सकते हैं। हालांकि अनस्टेबल में उतना ज्यादा उछाल नहीं आया है टीम इंडिया का, जहाँ पर पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो पॉइंट्स बॉल देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन पर देखा दे नंबर है न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड इसलिए क्योंकि इनकी जो नेट रन रेट है वो काफ़ी अच्छी है और नेट रन रेट अच्छी होने की वजह से ही ये टीम जो है वो नंबर एक पर है। इसके बाद दोस्तों दूसरे जो नंबर पर है वो है साउथ अफ्रीका की टीम, और साउथ अफ्रीका ने भी मैच उन्होंने जीता है, इनकी नेट रन रेट भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे मार्जिन से मैच जीता था और इनकी नेट रन रेट भी 2 से ऊपर है और टीम जो है वो पहले से ही अपनी नेट रन रेट पाकिस्तान का मैच भले ही जो एक हम कह सकते हैं कि हल्की टीम जीता, लेकिन मैच तो मैच होता है, हर मैच आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया का मुकाबला अफगानिस्तान से तो वो मैच में तो उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को इन्होंने हरा दिया है, और जो मेनली हम समझ के चलते हैं कि जो भी मेनली हमारी जो बढ़िया टीम होती है उसमें से इंग्लैंड पाकिस्तान इसके अलावा भी जो भी मजबूत टीमें हैं साउथ अफ्रीका उनके खिलाफ अगर आप जीत जाते हैं जहाँ छोटी टीम के खिलाफ होते हैं आपको परेशानी का सामना नहीं करना होगा। उसके बाद दोस्तों बाकी की स्थिति ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर है, 7वें नंबर पर अफगानिस्तान है, 8वें पर न्यूजीलैंड है, 9वें पर श्रीलंका है और 10वें पर इंग्लैंड की टीम है। तो ये था हमारा पॉइंट्स टेबल और दोस्तों अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, हमारी शुरुआत है, बाकी करने आपको ऐसे ही वीडियो में लाइक करवा पाएंगे और देश विदेश से करवा पाएंगे, हम रुकेंगे नहीं और ये मामला ये सिलसिला लगातार चलेगा। जैसे पहले आपको हमारे चैनल पर वही टाइप का कंटेंट जो है आपको देखने को मिलेगा, हम फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।